ओके नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आज हमारे पास है वी स्टॉर्म 250 सीसी। तो ये गाड़ी मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ, तो एक छोटी सी टेस्ट राइड रहेगी। मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ कि जो मैक्सिमम पावर ये जनरेट करता है 26.5 PS 9300 RPM पे, और जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 22.2 7300 RPM पे। तो यहाँ मैं अगर आपको एक ओवरव्यू दिखाऊँ तो मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं वो आपको कॉमन मिल जाएंगी, जैसे आपको हेडलाइट है वो कॉमन मिल जाएंगी, 250 से ही ली गई हैं आपके जिक्सेस है, और यहाँ पे जो पीछे की लाइट है वो भी कॉमन ली गई है। यहाँ पे जो चेसिस है वो अलग है क्योंकि ये AVT बाइक है, और जो इंजन है, इंजन की बात करूँ मैं तो ये 250 cc SOSC है, मीन सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है विद रेडिएटर के साथ। तो सिंगल हब ओवरहेड कैमशाफ्ट के इंजन की एक बात ये होती है जो आपको लो एंड टॉर्क है वो बहुत अच्छा मिलता है। तो एक वॉक अराउंड मैं आपको दिखाऊँगा इसमें। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने पुरानी जो 250 है या जिक्सेस है उसे फॉरवर्ड के लिए, देखिए एग्जॉस्ट है वो भी आपको पुरानी गाड़ी से मिल जाता है, बट ये है कि चेसिस नहीं होने के कारण इसका जो परफॉर्मेंस है जैसे ऑफ रोडिंग है वो आपको अच्छा मिलेगा। या अगर मैं स्विचेस की बात करूँ तो स्विचेस की जो क्वालिटी है विच इज़ गुड एंड इट इज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम दी कहते प्रीवियस जो आपकी जिक्सर है 250 उसी से लिया गया है। हैंडल आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे वाइड मिल जाता है जिसके कारण आप आराम से क्रूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं सीट की बात करूँ तो सीट आपको सॉफ्ट मिल जाती है और वाइड मिल जाती है विच इज़ गुड फॉर टूरिंग ऑल्सो। पीछे यहाँ पे आपको लगेज के लिए सामान रखने के लिए भी मिल जाता है, बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी विच इज़ इंडिकेटर। जो इंडिकेटर से बहुत काफ़ी अग्री लगते हैं ये, थोड़ा इसके साथ ही इंटीग्रेटेड होते तो बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी, जो टायर्स हैं वो जो फ्रंट के हैं आपको 19 इंच के मिल जाएंगे साथ में बड़े डिस्क के साथ। अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो आपको आगे भी ABS मिलते हैं और पीछे भी ब्रेकिंग में ABS मिलते हैं विच इज़ गुड। तो एक बार मैं आपको क्लस्टर की जो है इंफॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आ जाती है आपको इसके साथ। 2 RPM मीटर मिल जाता है आपको इसमें, गियर इंडिकेटर भी मिल जाता है और फ्यूल के भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो है टाइमिंग का भी मिल जाता है, बट एक चीज़ है इसमें जो गियर है वो 6 गियर स्पीड बॉक्स है, तो वो हमें देखना पड़ेगा जब आप चलाएँगे कि किस तरह से इन्होंने गियर को ट्यून किया हुआ है। देखिए जो सुजुकी के जो गियर्स हैं एक जैपनीज़ कंपनी बनाती है मोसाई, वो ही इनके लिए गियर बॉक्स बनाती है और वो ही इसके फेमस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ है कि जो फ्लैश प्लेट है मीन्स इंजन प्रोटेक्शन प्लेट है यहाँ पे जो लगी हुई है वो लोहे की है, एंड जो जिसके कारण जो आपका जो है इनकेस ऑफ मर्ड कुछ भी पत्थर है वो कारण बच सकता है, बट ये भी मुझे सफिशेंट नहीं लगी। अगर आप नीचे चेक करेंगे तो ये पाइप जो है एक्सपोज है और ये जो पैन है ये भी एक्सपोज है, तो अगर ये जो पूरा फ्लैश प्लेट अगर नीचे तक आ जाती तो ज़्यादा सही रहता, बट यस ये जो प्रोडक्शन मुझे थोड़ी सी इनएडुकेट लगी अभी। इसी के साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो आपका रेडिएटर है वो इस तरह साइड में पोजीशन किया गया है, ठीक है। तो इस गाड़ी को एक बार टेस्ट ड्राइव करेंगे, देखेंगे किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है। और तो यहाँ पे अब हम बाइक की टेस्ट राइड करने वाले हैं। जैसे ही आप बाइक में बैठते हैं आपको फील होता है कि आप एक अपराइट और हाइटेड पोजीशन में यहाँ पे बैठते हैं। जो हैंडल बार है वो काफ़ी वाइड है जिसके कारण आपको यहाँ पे एक कंफर्टेबल पोजीशन मिल जाती है जो कि आपको लॉन्ग टूरिंग में मदद कर सकती है। अगर मैं यहाँ पे हाइट की बात करूँ तो जो मेरी हाइट है वो 5'10" है जिसके कारण जो मेरे फीट है वो आराम से नीचे ग्राउंड पर पहुँच जाते हैं, पर जो शॉर्ट राइडर्स है कहीं ना कहीं उनको इशू यहाँ पर आ सकता है। तो सुजुकी ने अलग से यहाँ पर एक सीट प्रोवाइड करी है शॉर्ट राइडर्स के, जिसके कारण वो अपने जो पैर हैं वो ग्राउंड पर आराम से रख पाएंगे। अगर मैं वेट की बात करूँ तो यहाँ पर जो वेट है 160 kg का वेट है जिसके कारण आप बाइक को इजीली मैनुअल कर सकते हैं सिटी और हाईवे में। इस बाइक को मैं बहुत जल्दी यूज टू हो गया, एक तो उसके वेट के कारण और जो उनकी पोजीशनिंग है सीटिंग की उसके कारण। अगर मैं क्लच की बात करूँ तो क्लच इज़ ऑन द लाइटर साइड। जो गियर बॉक्स है वो 6 गियर बॉक्स है जो कि जिक्सर 250 से ही लिया गया है। यहाँ पर कोई शिफ्टिंग की मुझे प्रॉब्लम नहीं मिली है। अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ जो ब्रेक थे वो काफ़ी अच्छे ब्रेक मुझे यहाँ पर मिले, पर जैसे ही आप टॉप एंड में जाते तो आपको ऐसा लगता है कि ब्रेक थोड़े बहुत और इंप्रूव हो सकते थे। जो ब्रेक्स हैं वो डुअल चैनल ABS हैं और इनको आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते इनकेस अगर आप कहीं ऑफ रोड में जाते हैं। वैसे भी सुजुकी कहती है कि ये सिर्फ एक माइल्ड ऑफ रोड बाइक है। अगर टायर्स की बात करें तो बॉक टाइप के आपके टायर्स मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं।
पीछे के जो मोनोशॉक्स हैं वो एडजस्टेबल है और सॉफ्टर साइड में, और आगे के जो आपके 120 mm के सस्पेंशन है वो भी सॉफ्टर साइड में, जिसके कारण यहाँ पे आपको एक कंफर्टेबल राइड पोजीशन मिल जाती है और आपकी बाइक अनसेटल नहीं होती है। अगर मैं बात करूँ कोई हैवी व्हीकल आपको क्रॉस करता है तब भी आपकी बाइक जो है वो अनसेटल यहाँ पर नहीं होती है। इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको यहाँ पर लो और मिड रेंज जो परफॉर्मेंस है वो बहुत काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और जो एस्केलेशन है वो काफ़ी इंप्रेसिव है, जिसके कारण आप बहुत आराम से टॉप एंड पर पहुँच जाते हैं। पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो आपका टॉप एंड है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इंप्रूव हो सकता था। कुछ ऑब्जर्वेशन मुझे बाइक के साथ ये लगी है, जो आपका एग्जॉस्ट है वो काफ़ी नीचे प्लेस हो रखा है, जिसके कारण अगर आप डीप वाटर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एग्जॉस्ट में पानी जा सकता है और आपकी जो इंजन है वो हाइड्रोलॉक हो सकता है। दूसरा पॉइंट मुझे ये लगा, जो आपके जो अलॉय हैं वो डैमेज हो सकते हैं इन केस अगर आप कहीं प्योर ऑफ रोडिंग में जाते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन मेरे साइड से है, इन कंपैरिजन टू अगर मैं एक्सपर्ट से हिमालय की बात करूं, वहाँ पे आपको जो एग्जॉस्ट है वो थोड़ा सा ऊपर मिल जाता है और जो आपके व्हील्स हैं वो आपको रिम टाइप मिल जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज़ करता हूँ। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट।